क्या आप जानते हैं कि आप अगर एक ही जगह पर बैठकर कई घंटों तक काम करते हैं या फिर बहुत ज्यादा सोते हैं तो इसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। क्या आपको पता है कि डॉक्टर अलग अलग जगह पर इंजेक्शन क्यों लगाते हैं? क्या प्लास्टिक सर्जरी के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है? चेहरे को नया शेप कैसे दिया जाता है? या फिर आपको ये पता है कि एक बार चोरों ने पूरा का पूरा बीच रातों रात गायब कर दिया था? जानने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 10। आज तक आपने सोने चांदी या फिर पैसों से भरे बैग के चोरी के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने बीच यानी समुन्द्र किनारे कोई भी चोरी होते हुए देखा है या फिर कभी उसके बारे में सुना है? दरअसल साल 2008 में जमैका के देश के एक बीच से चोरों ने 500 ट्रक रेत की चोरी की थी और इस काम को उन्होंने रातों रात किया था। यह रेत इतनी ज्यादा थी कि पूरा का पूरा बीच रातों रात गायब हो गया था, जिसकी वजह से समुन्द्र का पानी आगे तक आ गया था। जब बीच पे लोग डेली की तरह रनिंग करने और घूमने के लिए आए तो बीच ही गायब हो चुका था और चारों तरफ बस पानी ही पानी दिख रहा था। आपको बता दें कि 500 ट्रक रेत इतनी ज्यादा होती है कि उसे एक नया बीच बनाया जा सकता है, और क्या पता चोर भी अपने लिए एक प्राइवेट बीच ही बनाना चाहते हो। फैक्ट नंबर 9। वैसे तो बेहतर हेल्थ और ग्लोइंग स्किन के लिए पूरी नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है और समय समय पर आराम करना भी जरूरी है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा देर तक सोता है या बैठता है तो यह आदत उसकी जान भी ले सकती है। दरअसल ज्यादा देर तक बैठे रहने से शरीर में खून का सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से शरीर के हर एक पार्ट को सही मात्रा में खून नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में हार्ट को फुल पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या हार्ट फेल होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस तरह ज्यादा देर तक सोने से शरीर के अंदरूनी पार्ट सही से काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। इसलिए आप अगर ज्यादा जीना चाहते हैं तो समय से सोएं और काम के दौरान बीच में उठ के इधर उधर घूमें और एक्सरसाइज करना भी बिल्कुल ना भूलें आप। फैक्ट नंबर 8। आप में से बहुत से लोगों की दिन की शुरुआत चाय से होती होगी, जो नींद को गायब करने के साथ साथ बॉडी को फ्रेश करने का भी काम करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप चाय के बजाय दिन भर में 2 से 3 कप ब्लैक कॉफी पीते हैं तो इससे आपके मेंटली हेल्थ काफी हद तक बेहतर हो सकती है। एक रिसर्च से ये पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन में 3 से 4 कप ब्लैक कॉफी पीता है तो उसे डिप्रेशन का खतरा 20% तक कम होता है। इतना ही नहीं, कॉफी पीने से तनाव और मानसिक थकावट भी दूर होती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को फ्रेश का एहसास होता है। इसलिए अगर आप रोजाना चाय पीते हैं तो इसकी जगह कॉफी पीना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से आप डिप्रेशन तो दूर रहेंगे ही और इसके साथ ही काम करने में भी अधिक जोश रहेगा। फैक्ट नंबर 7। अगर आपको कोई चीज को याद करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है या फिर किसी सामान को रख के भूल जाते हैं तो साफ है कि आपकी याददाश्त कम हो गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी चीज को याद नहीं रख सकते। बस आपको जरूरत है अपनी मेमोरी पर ध्यान लगाने की, और इस काम में च्युइंगम आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अभी हाल में ही हुए एक सर्वे से पता चलता है कि च्युइंगम चबाने से व्यक्ति की याददाश्त तेज तो होती ही है और वह किसी भी चीज को ज्यादा देर तक याद भी रख सकता है। यही वजह है कि मेमोरी तेज करने के लिए च्युइंगम खाने की सलाह दी जाती है। इतना ही नहीं, च्युइंगम खाने से मुंह और दिमाग की मांसपेशियों का एक साथ काम करती है, जिससे व्यक्ति की थकान और स्ट्रेस दूर हो जाता है। यही वजह है कि जो व्यक्ति ज्यादा दिमागी काम करता है वो अक्सर च्युइंगम चबाते हुए नजर आता है, क्योंकि च्युइंगम चबाने से व्यक्ति ज्यादा एक्टिव रहता है और उसकी मेमोरी भी तेज होती है। यही वजह है कि क्रिकेट से लेकर क्राइम सीन को सॉल्व करने वाले व्यक्ति भी च्युइंगम खाते हैं। फैक्ट नंबर 6। ये तो हम भी जानते हैं कि भारत का इतिहास बहुत पुराना है, जहां ना जाने कितने ही राजा महाराजा ने राज किया होगा। ऐसा हर राज्य का राजा अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों पर हमला करते थे, जिसकी वजह से युद्ध होता था और जीतने वाला राजा का दूसरा राज्य भी कब्जा हो जाता था। ऐसे में दुश्मनों को हराने और उनको चकमा देने के लिए राजपूत राजा अपने घोड़े के सर के ऊपर नकली सूंड लगाया करते थे, ताकि दुश्मन सेना के हाथी उन पर हमला ना कर सके। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि हाथी सूंड लगे हुए घोड़े को छोटे हाथी समझ कर ले, और ऐसा होने पर वह फिर उससे हमला नहीं करते थे। आपको बता दें, हाथी अपने ग्रुप का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, चाहे किसी भी हाथी का बच्चा क्यों ना हो, वह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। यही रीजन है कि राजा महाराजा अपने घोड़े के हाथी का नकली सूट पहना देते थे। फैक्ट नंबर 5। अगर आपको लगता है कि शराब पीने के बाद सिर्फ इंसान ही नशे में घूमता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में शराब या किसी भी प्रकार के नशीले चीजों का असर इंसान के साथ साथ जानवरों के दिमाग पर भी होता है, जिसकी वजह से वो भी अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। जानवरों की दुनिया में सबसे ज्यादा शराब पीने वाला जीव बंदर है, जो कई देशों में लोगों की शराब चोरी करके उसे पीता है और फिर पेड़ों पे जाकर सो जाता है।
ठीक ऐसे ही नशे भरी तस्वीर इंटरनेट पर खूब वायरल हुई थी हाथियों के एक झुंड की। वो खेत में मस्ती करते हुए देखा गया था। ये हाथी खाने की तलाश में एक गांव में घुस जाते हैं जहां उन्हें 30 लीटर से भी ज्यादा शराब मिल गई। फिर बस क्या था, उन हाथियों ने उन शराब को पी लिया और नशे में इधर उधर घूमने लगे और फिर नशे में झूमते हुए चाय के खेतों में ही जाके सो गए। इस फैक्ट को जानने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि शराब इंसान और जानवर के शरीर पे एक ही तरह से काम करती है। बस इतना है कि इंसान इसे पीकर ज्यादा जोश में आ जाता है और जोश में आकर वो होश भी गवा देता है। फैक्ट नंबर 4, रात संभालना हो या फिर कोई देश सरकार में रहने वालों को नियम का पालन कराने के साथ साथ जनता की सुविधाओं का भी ध्यान रखना होता है। ऐसे में राजा को अपना काम सही से करना होता है। अपनी जिम्मेदारी ना निभाने पर उसे गद्दी से भी हटा दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी उस राजा के बारे में सुना है जिसने सिर्फ 20 मिनट के लिए ही कुर्सी पे बैठा था? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्रांस के राजा लुईस एंटोनी ड्यूक ऑफ एंजोलिमी के बारे में, जिन्होंने सन 1830 में सिर्फ 20 मिनट के लिए ही राजा के पद संभाला था। दरअसल लुईस के पिता को प्रदर्शनकारियों के विरोध से राजा के पद छोड़ना पड़ा था। ऐसे में उन्होंने अपने बेटे को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया था। लेकिन जैसा ही माहौल शांत हुआ, लुईस के पिता ने अपने बेटे को राजा के पद से हटा दिया और फिर दोबारा से राजा बन गए। इस तरह लुईस सिर्फ 20 मिनट के लिए फ्रांस के राजा बने थे। हालांकि लुईस ने पिता के मौत के बाद 6 साल तक फ्रांस पे राज किया था। आज भी लुईस का नाम 20 मिनट के राजा के तौर पे जाना जाता है। फैक्ट नंबर 3, अगर आप हॉस्पिटल जाते रहते हैं तो आपने इस बात को जरूर नोटिस किया होगा कि डॉक्टर कभी एक ही जगह पे इंजेक्शन नहीं लगाते हैं। वो कभी हाथ पे इंजेक्शन लगाते हैं तो कभी कमर पर। लेकिन कभी सोचा है कि आपने ये वो ऐसा क्यों करते हैं? दरअसल इंजेक्शन बीमारी और दवा के हिसाब से अलग अलग जगह पे लगाया जाता है ताकि वो इंसान के ब्लड में आसानी से मिल जाए। अगर डॉक्टर इंजेक्शन हाथ में लगाता है तो उसमें मौजूद दवाई पतली होती है, वो आसानी से खून में मिलकर बीमारी का जल्दी से इलाज कर देती है। लेकिन जब इंजेक्शन कमर पे लगाया जाता है तो उसमें मौजूद दवाई थोड़ी गाढ़ी होती है। ऐसे में दवा को शरीर के खून में मिलने में समय लगता है, जिसकी वजह से इंजेक्शन वाली जगह पे लंबे समय तक दर्द रहता है। यही वजह है कि डॉक्टर दर्द को झेलने के लिए ऐसी जगह पे इंजेक्शन लगाते हैं जिसका रोजमर्रा जिंदगी में कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाथ में लगाया गया इंजेक्शन में कम दर्द होता है और डेली हाथ का इस्तेमाल भी जरूरी होता है, जबकि कमर में लगाया हुआ इंजेक्शन काफी दर्द भरा होता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि डॉक्टर क्यों अलग अलग जगह पे इंजेक्शन लगाते हैं और उसके पीछे का क्या मकसद होता है। फैक्ट नंबर 2, अगर आप ऑफिस या घर का काम करने के बाद बहुत थका हुआ फील करते हैं और तुरंत फ्रेश फील करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल एक्सरसाइज करने से शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है जिससे आपकी शरीर थकान और कमजोरी पल भर में गायब हो सकती है। दरअसल एक्सरसाइज करने से इंसान के शरीर में खून का बहाव बेहतर होता है जिसकी वजह से पैर के तलवों से लेकर दिमाग तक खून हर एक कोने में पहुंच जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने से और शरीर से एक्स्ट्रा फैट रिलीज होने से व्यक्ति की थकान दूर होती है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा फ्रेश फील करता है। अगर आपको इस फैक्ट पे यकीन नहीं हो रहा होगा तो कोई काम करने के बाद सिर्फ 15 मिनट ही एक्सरसाइज करके आपको फर्क अपने आप ही पता चल जाएगा। फैक्ट नंबर 1, आज के एडवांस युग में चेहरे से लेकर शरीर के किसी भी अंग को दोबारा बनाया या डिजाइन किया जा सकता है, जो सेलिब्रिटी से लेकर आम लोगों के बीच में काफी ज्यादा ट्रेंड में भी है। हालांकि प्लास्टिक सर्जरी के लिए काफी ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि इस सर्जरी को करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है और इसे होने वाला दर्द भी बहुत होता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि प्लास्टिक सर्जरी कैसे की जाती है? अगर आपको ये लगता है कि इस तरह की सर्जरी के लिए प्लास्टिक की जरूरत पड़ती है तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। दरअसल प्लास्टिक सर्जरी का मतलब त्वचा के किसी हिस्से को दोबारा से डिजाइन करना होता है जिससे इंसान अपने लुक्स को और भी ज्यादा बेहतर बना सकता है। इस सर्जरी के लिए इंसान के शरीर से एक्स्ट्रा स्किन को काट लिया जाता है और फिर उसे दूसरी जगह पे लगा दिया जाता है ताकि किसी खास पार्ट को बेहतर बनाया जा सके। अगर किसी को नाक की सर्जरी करवा के उसका शेप ठीक करवाना होता है तो इसके लिए उसके चेहरे से किसी दूसरे हिस्से से एक्स्ट्रा स्किन को हटा के अलग कर दिया जाता है, फिर उस स्किन को सर्जरी वाली जगह पे लगा दिया जाता है ताकि कट लगने से खराब हुई स्किन को बेहतर बनाया जा सके। इस तरह से प्लास्टिक सर्जरी को पूरा किया जाता है। हालांकि आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के चलते ये लेजर लाइट और इंजेक्शन के जरिए भी प्लास्टिक सर्जरी को किया जा सकता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में आपको हमारा कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।